कौन कौन से राइटिंग स्किल की चीजें आने वाली है कौन कौन से राइटिंग स्किल के पार्ट्स आने वाले हैं और उन्हें हमें किस तरह से सॉल्व करना है किस तरह से हमें लिखना है वो सारी चीजें हमने लेक्चर नंबर नाइन में भी डिस्कस किया हुआ है साथ ही साथ इसके पीछे के सारे लेक्चर्स uh, आप सभी को देखना जरूर से कंपलसरी है सबके लिए क्योंकि अगर आपने uh, व्याकरण के पार्ट को अच्छी तरह से देखा तो आप ये uh, उपयोजित लेखन जो है हमारा राइटिंग स्किल जो है उसे भी बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे और लिख पाओगे सो so, ये सारा पार्ट आपका बहुत ज्यादा मार्क्स कंटेन करता है इसीलिए इसे प्रॉपर वे में देखो समझो और प्रैक्टिस करो ताकि जो बचे हुए थोड़ा सा टाइम है उस टाइम में आप अपने uh, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिनके बारे में आपने सोचा था कि चलो यार इसे साइड में रखते हैं और बाद में देखा जाएगा कैसे पढ़ना है बट अब पढ़ने का समय आ चुका है और अब कैसे भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा ओके चलो सो आज हम हमारे लेक्चर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेन टॉपिक के ऊपर जो कि है हमारा कहानी लेखन ठीक है कहानी लेखन क्या होता है स्टोरी राइटिंग आपको आ, कुछ शब्द दिए रहेंगे ठीक है कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे शब्द दिए रहेंगे उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं मैं पहले रूल्स एक्सप्लेन करूंगी और फिर उसे लिखना कैसे है वो भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक एग्जाम्पल लेके एक क्वेश्चन लेके ओके तो पहले समझते हैं कि हमें क्या करना रहता है उसमें हमें फाइव मार्क्स के लिए आता है ठीक है फाइव मार्क्स के लिए आता है और वृत्तांत लेखन जो होता है वृत्तांत लेखन का ऑप्शनल होता है ये ठीक है वृत्तांत लेखन लिखो या कहानी लेखन लिखो इन दोनों में से कोई भी एक आपको लिखना रहता है पांच मार्क्स मिल जाते हैं आपको ओके सो so, पिछले लेक्चर सभी को पिछला लेक्चर जरूर से देखना है उसमें मैंने पत्र लेखन के बारे में बताया हुआ है गद्य लेखन के बारे में बताया हुआ है और वृत्तांत के बारे में भी बताया हुआ है तो प्लीज से उस लेक्चर को भी जरूर से देख लेना आप सभी तो समझ में आ जाएगा और आज हम डिस्कस करेंगे कहानी लेखन और विज्ञापन लेखन के बारे में सो so, कहानी लेखन अभी देख लेते हैं कहानी लेखन में कौन कौन से रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए और उसे किस वे में लिखना चाहिए उसके बहुत सारे रूल्स में आज आप लोगों को बताने वाली हूँ जिसे आपको ध्यान में रखना है ओके चलो स्टार्ट करें हम आज का हमारा फर्स्ट जो है टॉपिक कहानी लेखन कहानी लेखन के बारे में सबसे मेन चीज है उसका शीर्षक शीर्षक का मतलब क्या होता है अगर आप कोई भी स्टोरी लिख रहे हो आपको एग्जाम में कैसे आएगा पूरा स्टोरी आपको नहीं दिया रहेगा आपको सिर्फ और सिर्फ आ, इस तरह से बताया रहेगा बस ये भी नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं बोला रहेगा बस डायरेक्ट उसमें लिखो कहानी लेखन ऐसा नहीं आप अपने मन की कोई भी कहानी नहीं लिख सकते हो आपको बहुत सारे छोटे छोटे शब्द दिए रहेंगे उन शब्दों को आपको उस स्टोरी में लाना है उस उन शब्दों का इस्तेमाल करके आपको एक बड़ी सी अच्छी सी और इंस्पिरेशनल स्टोरी बनानी है जिसे पढ़ के ऐसा लगे कि हाँ इस स्टोरी से हमें कुछ सीखने मिल रहा है कुछ समझ समझने मिल रहा है ओके okay? और जब भी आप कहानी लिखना शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा पता है उसका हेडिंग डालना पड़ेगा ठीक है आप उसका नाम डालोगे आपको वहीं पे एक मार्क्स मिल जाएगा सो तो नाम डालना सबसे ज्यादा मेन चीज है सो तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले उसका कुछ एक बहुत ही अच्छा नाम डालो जिससे ऐसा लगे कि Uh, हाँ इस स्टोरी में कुछ है कुछ इंटरेस्टिंग है स्टोरी हमें पढ़ना चाहिए ठीक है नहीं तो अगर आप कुछ ऐसे ही फालतू सा कुछ भी नाम डाल दोगे ना तो जो आपका चेक करने वाला जो रहेगा ना एग्जामिनर जो एग्जाम के पेपर्स चेक करते हैं बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं सो तो वो चेक करते टाइम ही उन्हें ऐसा लगेगा स्टार्टिंग का ही देख के कि क्या बोरिंग होगा बकवास होगा ऐसे ही डायरेक्टली आपको एक दो मार्क्स दे हटा देंगे सो तो इसके लिए आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इंटरेस्टिंग नाम की जरूरत है ठीक है दिखेगा तभी तो बिकेगा है कि नहीं तो so, सबसे पहले आपका नाम दिखता है तो नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छी तरह से लिखना होना चाहिए नीट एंड क्लीन लिखो एग्जाम में जितना ज्यादा हो सके कि कट uh, बिट जो ये सारी चीजें आप करते हो ना कुछ भी लिख दिया चलो आ, नाम नहीं यार ये थोड़ा ऐसा लग रहा है काट दिया फिर फिर से नाम फिर से नहीं अच्छा नहीं लग रहा काट दिया इस तरह की चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको एकदम नीट एंड क्लीन वे में एक पेपर पे पूरी तरह से आपको स्टार्टिंग में कहानी लेखन डाल देना हैडिंग उसके नीचे आप आराम से क्या करो एक अच्छा सा नाम डालो शीर्षक डालो और उसके नीचे से बिना कटकुट किए बिना गोजे बीजे नीट एंड क्लीन वे में आप अच्छी तरह से लिख दो ओके okay? लिखना शुरू कर दो देन हमें क्या बोला हुआ है सेकंड क्या बोला हुआ है हमें कि वो क्या होना चाहिए प्रभावी होना चाहिए क्या होना चाहिए प्रभावी होना चाहिए मतलब कि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होना चाहिए जैसे अगर कोई पढ़ रहा है तो उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ना चाहिए उसको लगे कि हाँ थोड़ा सा ना ऐसे है कुछ स्टैंडर्ड है इस स्टोरी का ऐसा ल, ऐसे कुछ आ, चूहे बिल्ली की कहानी टाइप इस तरह की नहीं लिखनी है आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल वे में आपको प्रेजेंट करना है उस स्टोरी को थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ इसके अंदर कुछ तो भी अच्छी चीजें दी हुई है अच्छा लिखा हुआ है और इंटरेस्टिंग लगे ठीक है देन आपको क्या दे किस चीज पे ध्यान देना है प्रवाही और विषय प्रस्तुति जो आपका सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने स्टोरी अपने माइंड में क्रिएट किया हुआ है जब भी आपको टॉपिक दिया रहेगा ना उस वर्ड जो दिए रहेंगे उसको पूरा पढ़ो उससे वो सारी चीजों को पिरो और उसमें से आपको कुछ तो भी बढ़िया से स्टोरी ढूंढनी है जो कि क्या हो पहले अपने माइंड में उसकी मैपिंग कर लो पहले माइंड मैपिंग कर लो कि वो हमें किस तरह से लिखना है किस वे में लिखना है उसकी सीख क्या होगी उसके अंदर हम क्या स्टोरी दिखाने वाले हैं ये चीज़ों को अपने मन में पहले सेट कर लो थोड़ा सा दो मिनट का पॉज लो रिलैक्स हो जाओ और सोच लो पहले अच्छी तरह से कि मुझे लिखना क्या है ठीक है नहीं तो आप स्टार्टिंग में कुछ और लिखने जाओगे धीरे धीरे आपको स्टोरी मिलेगा नहीं कि हाँ आगे बढ़ाए कैसे तो फिर बाद में आप कुछ भी लिख के उसको एंड कर दोगे बट ऐसे चीजों पर मार्क्स नहीं मिलता अगर आपका जो भी आपने लिखा है वो अगर अच्छी तरह से अच्छी वे में नहीं लिखा हुआ है तो फिर वो आपको मार्क्स नहीं देंगे एक या आधा मार्क्स मिलकर कुछ फायदा है नहीं सो आपको अच्छी तरह से थोड़ा सा जो सब्जेक्ट रहेगा आपका जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा मतलब टॉपिक uh, जो भी रहेगा आपका कि आपने अब जिस चीज़ के बारे में सोचा हुआ है उस चीज़ को आपको उस पेज पे एकदम इस तरह से दिखाना है कि लोगों को लगे कि हाँ ये uh, किसी गरीब की कहानी है या फिर किसी स्मार्ट uh, बच्चे की कहानी है या फिर किसी गरीब बच्चे की कहानी है या किसी सैनिक की कहानी है या किसी भी चीज़ की कहानी है ना उसमें लगे कि हाँ इस सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ इसमें बोला हुआ है ओके चलो आगे देखिए मुहावरे होना चाहिए मुहावरे क्या करना चाहिए मुहावरे होना चाहिए जैसे मैंने मुहावरे का आप लोगों को सिखाया हुआ है आप लोगों अगर ने मुहावरे वाले टॉपिक में नहीं देखा हुआ मतलब मुहावरा वाला लेक्चर नहीं देखा होगा आप लोगों ने तो प्लीज से जाके मुहावरा वाला लेक्चर देख लो ताकि उसमें मैंने किस तरह से आपको मुहावरे क्रिएट करना है किस तरह से आपको लिखना है ये सारी चीजें मैंने उसमें बताई हुई है सो तो उसका इस्तेमाल जरूर से करना क्योंकि आपको अभी अभी मैंने बोला क्या होना चाहिए हमारी स्टोरी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए तो जब भी आप कुछ इंटरेस्टिंग लाइन लिख लेते हो या कुछ अच्छा सा मुहावरे का इस्तेमाल करते हो तो जो पढ़ने वाला होता है ना उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है और वो सोचता है कि हाँ आगे इसने और अच्छी तरह से लिखा होगा और इसीलिए वो पूरी स्टोरी को पढ़ेगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा मार्क्स का है आपको कम से कम चार मार्क्स तो वो जरूर से देंगे अगर आपने मुहावरे ऐड ऑन किए हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बात आपने अच्छी तरह से की है अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको कम से कम एक या दो मुहावरा अपने दिमाग में रख लेना है जिसे आप क्या कर सको वहां पर इस्तेमाल कर सको कोई भी स्टोरी राइटिंग आए तो उस मुहावरे का आप वहां पर इस्तेमाल कर सको ओके चलो रोचक और शुद्ध भाषा आपका जो आ, स्टोरी रहेगा वो रोचक मतलब वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए और साथ ही साथ शुद्ध भाषा का इस्तेमाल करना है मतलब आपकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए एकदम शुद्ध होनी चाहिए नीट एंड क्लीन होनी चाहिए ऐसी भाषा होनी चाहिए मतलब ऐसा शब्द ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो जो लगे कि हाँ थोड़ा अच्छी तरह से लिखा हुआ है जैसे आ, आपने सपोज की मान के चलो आपको ऐसा लिखना है कि आ, कोई लड़का है राहुल नाम का उसके बारे में आपने स्टोरी लिखा हुआ है ठीक है अब स्टोरी में आपका नाम आ रहा है राहुल कुछ बोल रहा है ठीक है सो आप इस तरह से लिख सकते हैं राहुल जी ने इस प्रकार से बोला इस प्रकार से बोला अब ये प्रकार आ गया तो थोड़ा सा क्या लग रहा है कि ये रोचक मतलब थोड़ा सा क्या लग रहा है इसे भाषा क्या है हमारी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और हिंदी को प्रेजेंट कर रहा है वहां पे वैसा नहीं राहुल उसने ऐसा बोला क्या कि ये कर लिया वो कर लिया फिर उसने ऐसे किया फिर ऐसा जैसा हुआ या इस तरह से आप लिखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि चलो वेल्ले जैसा लिखा हुआ है बट थोड़ा सा अच्छी तरह से लिखोगे ना तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है प्रेजेंटेबल लगता है और जब भी प्रेजेंटेबल लगेगा आपका कोई भी राइटिंग स्किल का पार्ट तो वहां पर आपको एग्जामिनर एक मार्क्स खुद की तरफ से भी दे देता

आपका ये पेज है ठीक है एक सेकेंड मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि आपको लिखना किस तरह से है चलो यहां पे देख लेते हैं ये आपका एक पेज है ओके आपका बोर्ड शीट का ये पेज है यहां पे आपका वो लाइन जो रहता है बोर्ड शीट का वो और बाकी ये आपका जगह है ठीक है तो आप सबसे पहले क्या करोगे यहाँ पे आपका इस तरह से लाइन रहता है आप यहाँ पे नंबर डाल दोगे और कहानी लेखन डाल दोगे देन आपको क्या करना है यहाँ पे अच्छी तरह से बड़ा सा शीर्षक लिखना है जो भी आपका शीर्षक हो मतलब जो भी आपकी स्टोरी का नाम हो वो आपको लिखना है सिर्फ इतने से पार्ट में आना चाहिए जैसे अगर मैं एक बुक ले लेती हूँ और सपोज ये आपका पेज पेज शीट है आपका जो भी ये बोर्ड का शीट जो होता है पेपर है तो वो इस तरह से आपका ये पेपर है आपको क्या करना है ठीक है एक सेकेंड में जरा एक पेज ले लेती हूँ पेज भी नहीं मिल रहा है चलो देखो सो so, इस तरह से पेज है आपको क्या करना है स्टार्टिंग में आपको इतने ही पार्ट में ध्यान से देख सकते हो आप लोग इतने ही पार्ट में आपको कोई इंटरेस्टिंग नाम लिखना है ठीक है Uh, कोई भी जो भी आपको लगे कि उस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है तो अच्छा सा नाम वहां पे लिख सकते हो उसके बाद आप यहां से फिर स्टार्ट कर सकते हो एक पैराग्राफ आपको छोड़ना है स्टार्ट करो उसके अंदर थोड़ा सा स्टार्टिंग में आप उसके बारे में बताओ ठीक है स्टार्टिंग का जो इतना पार्ट रहेगा इतना पार्ट में आप क्या करो कि उस चीज़ के बारे में बताओ आप जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हो उसे थोड़ा सा बा, उसके बारे में बताओ उसके बाद स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगाना है ताकि वो इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग में रहेगा ना तो लोग एंड तक जाए ओके उसके बाद आपको सेकेंड पैराग्राफ में कुछ बोरिंग पार्ट जैसे रहेंगे कि हाँ फिर उसके घर में ऐसा कुछ हुआ या इस तरह की चीजें रहेगी तो आपको क्या करना है बीच में डालना है साथ ही साथ जब आप नीचे की तरफ बढ़ोगे तो नीचे में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजों का इस्तेमाल करना है और जहां पे भी आपने मुहावरे का इस्तेमाल किया है वहां पर आपको क्या करना है पता है पेंसिल साथ में रखो पेंसिल से जहां पे आपने मुहावरे का इस्तेमाल किया है या फिर आपने कोई इंटरेस्टिंग लाइन का इस्तेमाल किया है तो आपको क्या करना है वहां पे अंडरलाइन कर देना है ठीक है आपने कुछ इंटरेस्टिंग लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे ठीक है उसके नीचे आप क्या कर दोगे अंडरलाइन कर दोगे ओके okay? कहानी आपका कम से कम दो पेज का होना चाहिए अगर आपके पास नहीं टाइम है तो भी आप डेढ़ पेज का तो जरूर से लिखो डेढ़ से दो पेज आपको कैसे भी मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि डेढ़ दो पेज का लिखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा तो इस हिसाब से आपको चार मार्क्स के करीब मिल सकता है चार साढ़े चार की मार्क्स के करीब मिल सकता है आराम से ओके देन आपको क्या करना है अभी यहां से जरा हाँ चलो सो so, देन आपको क्या करना है आपका जो अगला पेज होगा सो लास्ट में आपको क्या करना है सीख लिखनी है क्या लिखना है सीख लिखनी है मतलब आपकी कहानी से आपने जो ये कहानी लिखी हुई है इस कहानी से सभी को क्या सीख मिल रहा है क्या सीख मिलना चाहिए ये सीख आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना है सीख आपका बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए एक लाइन का होना चाहिए बस सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का होना चाहिए आपने यहाँ पे पेज के एंड में आराम से जहां पे आपकी स्टोरी खत्म हो रही है सपोज कि अगले पेज पे आपका इधर पे स्टोरी खत्म हो रहा है उसके नीचे में आपको लिख देनी है सीख और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो एक लाइन में सीख लिख सकते हो ठीक है एक लाइन में सीख जरूर से लिख लेना क्योंकि ये सीख लिखने का आपको मिल जाएगा पूरा एक मार्क्स ठीक है शीर्षक का मिल जाएगा आपको एक मार्क्स ये चीजें होने पे आपको मिल जाएगी आराम से कितना मार्क्स दो मार्क्स एंड ये इस तरह से आप बेटर लिखोगे तो आपको मिल जाएगा एक मार्क्स ठीक है सो इस तरह से आपका पांच मार्क्स डिवाइड हो जाएगा कि अगर आपने मुहावरे इंक्लूड किए हैं आपने शुद्ध रोचक भाषाएं लिखी हुई है मतलब इंटरेस्टिंग चीजें आपने कुछ भी एड ऑन किया है अपने स्टोरी में तो उस चीज का आपको एक मार्क्स मिल जाएगा आराम से ठीक है कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ें अगर आपने उसमें ऐड की हुई है शुद्ध भाषा का इस्तेमाल किया हुआ है तो मिल जाएगा आपने आपको जो भी मतलब चीज़ें दी हुई है जैसे कि आ, कोई भी स्टोरी है ठीक है तो कोई भी स्टोरी के बारे में अगर आपने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है उसको बहुत ही अच्छे वे में लिखा हुआ है जैसे आ, कोई भी आप स्टोरी पढ़ सकते हो ठीक है कोई भी स्टोरी पढ़ सकते हो कॉमिक बुक्स जो आती है अलग अलग स्टोरी बुक्स आती है उन स्टोरी बुक्स का इस्तेमाल करो कि स्टोरी किस तरह से लिखी हुई है सो स्टोरी देखा लिखा हुआ देखोगे आप तो उसका देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि स्टोरी किस तरह से इंटरेस्टिंग वे में लिखा जाता है ठीक है so, सो इंटरेस्टिंग वे में आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज डालना है 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 एंड में चीजें चीजें डालनी है, सीख लिखना है, तो ये सारी अगर आप फॉलो करोगे तो आपको पूरे पांच मार्क्स आराम से मिल जाएंगे ठीक है चलो आगे बढ़े एक चीज और देखनी है आपको क्या देखना है क्वेश्चन देखना है ठीक है क्वेश्चन देखते हैं उसे पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें इसमें लिखना कैसे है ओके मोहन और माता पिता ठीक है मोहन और माता पिता एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेती हूँ मोहन और माता पिता डैश डैश सुखी परिवार डैश डैश मोहन मोहन हमेशा मोबाइल पर डैश डैश कान में कान में ईयरफोन ठीक है कान में ईयरफोन माता पिता का मना करना मोहन का ध्यान न देना सड़क पार करना कान में ईयरफोन दुख दुर्घटना सीख समझ रहे हो इससे बहुत ही ईजी तरीके से स्टोरी बन गया जैसे एक परिवार था एक परिवार में सॉरी हाँ, एक परिवार था परिवार में चार लोग थे उसमें जो उनका उसमें कौन कौन थे ये इस तरह से आप लिख सकते हो कि एक परिवार था वो रामपुर नाम के गांव में रहते थे उस परिवार में चार सदस्य थे चारों सदस्य उसके एक माता थी पिता था सॉरी एक माता थी और एक पिता था ऐसे नहीं लिखना आपको उसके माता पिता और वह वह मोहन नाम का लड़का था और उसका एक छोटा भाई भी था तो मोहन के पिताजी कंपनी में काम करते थे मोहन की माताश्री घर में काम करती थी और मोहन ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ता था ठीक है मोहन का छोटा भाई बहुत छोटा था अभी वह अपने आ, बाहर की दुनिया में उतना ज्यादा व्यस्त नहीं था परंतु मोहन नाम का जो लड़का था वो क्या हो गया था फोन में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया था उसे फोन की बहुत ज्यादा आदत लग गई थी उसके मित्र जो थे वो मित्र उनके बहुत ही संगति उसका खराब होने लग गया था उसके संगति के सारे मित्र उसके क्या करने लग गए थे फोन में बहुत ज्यादा व्यस्त होने लग गए थे इसी कारण से मोहन पे भी इस चीज का प्रभाव पड़ने लग गया था और मोहन भी क्या करने लग गया फोन में बहुत ज्यादा आ, व्यस्त होने लग गया फ़ोन में इतना ज़्यादा व्यस्त होने लग गया और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कानों में ईयरफोन्स लगाना शुरू कर दिए थे जो ईयरफोन जो होते हैं ना नॉर्मल आप सभी को पता ही होगा ईयरफोन लगाना शुरू कर दिया था पर इसी के इसी के कारण क्या होने लग गया दिन पर दिन रोज़ रोज़ मोहन इसी चीज़ का इस्तेमाल करने के कारण उसके परीक्षा में अक, अंक भी बहुत ज़्यादा कम आने लग गए थे अंक मतलब नंबर्स ठीक है नंबर्स भी बहुत ज़्यादा कम आने लग गए थे इसी का प्रभाव उसके घर परिवार पर भी पढ़ने लग गया उसके माता पिता उस पर रोज और रोज चिल्लाने लग गए थे और इसी के कारण मोहन भी बहुत ज़्यादा उनसे गुस्सा रहने लग गया था कि ये सभी मुझ पर बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं और इसी के कारण क्या कर रहा था मोहन एक दिन रोड क्रॉस कर रहा था और उस टाइम उसने ईयरफोन लगाया हुआ था अचानक से ट्रक आने के कारण मोहन का दुर्घटना में दुर्घटना में निकल पड़ा ऐसा नहीं लिखना है मोहन दुर्घटना मोहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया उसके कानों की ध्वनियां चली गई और डॉक्टर ने कहा कि कभी ये सुन नहीं सकता देन लास्ट में मैंने तो शॉर्ट में बताया है आप लिखोगे तो आप बहुत ही अच्छी तरह से डीपली अच्छी अच्छी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है मैं तुरंत बोल रही हूँ तो तुरंत मन में इतनी सारी चीजें नहीं आ रही है ना जब लिखने बैठोगे ना तो आराम से आ जाएगा अगर आप लोग ट्राई करोगे दो तीन स्टोरीज पढ़ोगे तब ओके चलो अभी अब लास्ट में क्या लिखेंगे सीख इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने परिवार की बातें सुननी चाहिए और अधिक फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ठीक है उसी के साथ साथ और भी सीख लिख सकते हो आप किसी और के मन में कोई और सीखाई संगति और स्टार्टिंग में आप हेडिंग क्या डाल सकते हो संगति का बुरा असर ठीक है या फिर आ, नए जमाने में दुर्घटना इस तरह की नहीं संगति का बुरा असर ठीक है ठीक है उसके बाद आ, इस तरह की अलग अलग चीजें आप सोच सकते हो उस टाइम पे सोचना अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं सोच पा रही हूँ मुझे एक और टॉपिक टाप, को कवर करना है ओके सो लास्ट में आप सीख किस तरह से लिख देना सीख जरूर से लिखना क्योंकि वो एक मार्क्स के लिए आएगा तो सीख को बिल्कुल भी लिखना भूलना मत जो भी आपके स्टोरी से सीख मिल रहा हो लोगों को वो आपको आराम से लिखना जरूर से ठीक है सिर्फ एक लाइन में लिखना एक से डेढ़ लाइन में लिखना उससे ज्यादा मत लिखना क्योंकि सीख बड़ा नहीं होना चाहिए एक से दो लाइन इनफ होता है सीख के लिए ओके आई होप सो सभी बच्चों को आराम से समझ गया होगा कि हम किस तरह से इस चीज को लिख सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं, ओके okay? चलो अभी इसका नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं विज्ञापन लेखन 啊。Uh. स्टार्ट करते हमारा विज्ञापन लेखन खुशखबर, खुशखबर, खुशखबर। आपके एरिया में खुल रहा है सभी बच्चों ने और यही आज हम स्टडी करने वाले हैं इस तरह का पैम्पलेट आपको क्रिएट करना है इंटरेस्टिंग वे में क्रिएट करना है थोड़े से ड्रॉइंग एड ऑन करने हैं बहुत ही सुंदर सा प्रेजेंट करना है ताकि आपको मिल जाए पांच मार्क्स कितने मार्क्स पांच मार्क्स तो ये टॉपिक हमें एग्जाम में आने वाला है फाइव मार्क्स के लिए कितने मार्क्स के लिए पूरे फाइव मार्क्स के लिए आपको ये टॉपिक आने वाला है आपके एग्जाम में तो आपको क्या करना है इसे डीपली स्टडी करना है किस तरह से डीपली स्टडी करना है मैं कुछ रूल्स बताऊंगी उन रूल्स को आपको फॉलो करना है और उन्हीं रूल्स को फॉलो करके आपको एक पैम्पलेट क्रिएट करना है एक विज्ञापन क्रिएट करना है सो so इसी पैम्पलेट को हम विज्ञापन बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट आपने टीवी में भी देखा होगा बट हमें क्या करना है राइटिंग करनी है इसकी ओके चलो क्या करना है सबसे पहले देखते हैं रूल्स को रूल्स कर देखने के बाद फिर हम क्या देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें मतलब जो एग्जाम में ज्यादातर आती है बार बार रिपीट भी होती है उन टॉपिक्स को मैंने लिया हुआ है अब उसमें से आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है अब ना आए तो मुझे कोई गाली मत देना ओके चलो तो स्टार्ट करें आज का हमारा विज्ञापन लेखन जो कि अभी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था ओके चलो सो यहाँ पे सबसे तो फर्स्ट रूल क्या दिया हुआ है जो भी हमें पांच रूल दिए हुए हैं उन चार रूल दिए हुए हैं, चार से पांच रूल उन चार से पांच रूलों में सबसे पहला रूल क्या है हमारा विषय रूप अभिव्यक्ति आदि जो विषय जो भी हमारा सब्जेक्ट है ठीक है जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका क्या होना चाहिए स्टार्टिंग होना चाहिए कुछ बढ़िया तड़कता भड़कता सा एकदम हेडिंग होना चाहिए जैसे मैंने आते ही क्या बोला खुश खबर खुशखबर आपके एरिया में आ चुका है एक योगा क्लास ठीक है सो इसी तरह से आपको प्रेजेंट करना है वहां पे थोड़ा सा जैसे इंटरेस्टिंग वे में चलो मैं यहाँ पे एक पेज क्रिएट करती हूं यहाँ पे ले लिया मैंने एक पेज ओके इस तरह से एक पेज ले लिया अब यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्रिएट करके दिखाऊंगी ये मत सोचना कि मैम यहाँ पे मुझे पूरा बना के देने वाली है तो पूरा तो मैं नहीं बना पाऊंगी इतने कम टाइम में और इतने कम जगह में सो तो आपको क्या करना है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में इस तरह से खुश खबर खुश खुशखबर लिख देना है उसके बाद आप क्या करोगे थोड़ा सा नीचे में आप कुछ डिज़ाइन बना के उस चीज़ उस प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो ठीक है सो इस तरह से आपको क्या करना है प्रेजेंट करना है उसे उसके बाद रोचक रोचक मतलब इंटरेस्टिंग ठीक है आपका जो भी पेम्पलेट रहेगा आपका जो भी विज्ञापन है वो विज्ञापन क्या होना चाहिए आपका थोड़ा सा रोचक मतलब इंटरेस्टिंग होना चाहिए विज्ञापन जबकि उसे, उसे उस पेज को तुरंत कोई देखे तो ऐसा फील हो कि मैं तुरंत पढ़ लेता हूं इसे ओके सो इस तरह से आपका इंटरेस्टिंग होना चाहिए कुछ डिजाइन को ऐड कर दो बहुत ज्यादा बड़ा मत बनाओ बहुत ही मिनिमम बनाओ छोटा बनाओ बट उसके अंदर सारी चीजें अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन एकदम बढ़िया तरह से नीट एंड क्लीन वे में प्रेजेंट करो ओके थर्ड थर्ड क्या है सहज एंड प्रभावी भाषा सहज एंड प्रभावी भाषा मतलब सिंप्लिसिटी में जो बढ़िया चीज होता है वो प्रेजेंट करो सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करो पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में इस्तेमाल करो जैसे खुशखबर एक सिंपल वर्ड है बट आपने क्या किया इंटरेस्टिंग वे में लिख दिया ठीक है थीके? इस तरह से आप खुशखबर लिख दोगे उसके बाद दो एक्सलामिशन मार्क मार दोगे फिर खुशखबर लिख के फिर दो एक्सलामिशन मार्क, फिर खुशखबर लिख के दो एक्सलामिशन मार्क, सो इससे क्या होगा थोड़ा सा सुंदर दिखेगा और सुंदर दिखेगा तभी तो बिकेगा तभी तो मार्क्स मिलेगा है कि नहीं सो इस तरह से आपको मार्क्स मिल सकता है ओके तो सहज और प्रभावी होना चाहिए आपकी भाषा उसके बाद फोर्थ क्या है विषय रूप समाप समापन आदि मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड उसका समापन होना चाहिए आप लास्ट में भी लिख रहे हो ना लास्ट का जो आपका नीचे में लिखोगे तो उसमें भी आप कुछ इस तरह से कर सकते हो पॉइंट बना सकते हो कुछ उस चीज़ के बारे में कुछ पॉइंट दर्शा सकते हो दो पॉइंट या तीन पॉइंट आप लिख के उसे अच्छी तरह से दर्शा सकते हो साथ ही साथ आपको लास्ट में उस चीज़ से रिलेटेड मतलब उसका स्थान uh, लिख दो फोन नंबर लिख दो ठीक है नंबर लिख दो स्थान लिख दो आप यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हो यहाँ पे आप फ़ोन नंबर लिख सकते हो ओके सो तो इस तरह से आपको क्या करना है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसी रिलेटेड आपको समापन करना है उसी चीज़ से रिलेटेड कुछ डिस्काउंट है कोई ऑफर है तो यहाँ पे आप इस तरह से कोई डिज़ाइन बना के यहाँ पे लिख सकते हो ट्वेंटी ऑफ ठीक है या फिर ट्वेंटी परसेंट ऑफ फॉर वुमेन बाय वन गेट वन फ्री इस तरह की चीज़ें आप उसमें ऐड करोगे ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा या फिर लास्ट के जगह पे आप कुछ बहुत अच्छा सा ड्राइंग बना सकते हो जो भी चीज़ें आपकी है आपका केक का शॉप है तो आप क्या करोगे केक बना दोगे अच्छा सा उसमें मोमबत्ती लगा दो दो मुझे ड्राइंग नहीं आती है तो आप क्या करो कि कोई दो तीन ड्राइंग बस सिंपल सा बनाना सीख जाओ बस हो जाएगा आराम से कुछ नहीं करना रहता है नॉर्मल सा ड्राइंग बना लो ताकि बस ऐसा दिखे कि कुछ तो है मेरा भले ही नहीं दिख रहा है कोई हंसना मत ओके सबको ना आ के दूंगी फिर मैं ऐसा नहीं हंसना बिल्कुल भी नहीं ठीक है मेरा ड्राइंग ज्यादा ही कुछ खूबसूरत है चलो आगे देखें पांचवा पॉइंट क्या है हमारा 50 से 60 शब्दों में लिखो मतलब आपका जो पेम्पलेट है आपका जो विज्ञापन है वो विज्ञापन आपका शॉर्ट होना चाहिए पचास से साठ शब्दों का ही उसमें इस्तेमाल करना है बहुत ज्यादा भर भर के खिचड़ी मिचड़ी पूरा गोज़ गाज के सत्यानाश बिल्कुल नहीं करनी है जो भी लिखोगे जितना भी लिखोगे बहुत कम लिखो चलेगा बट इंटरेस्टिंग अंदाज में लिखो सुंदर से लिखो साफ साफ दिखने वाला लिखो कचड़े जैसा नहीं यहाँ पे कुछ कर दिया फिर यहाँ पे कुछ और बना दिया यहाँ पे कुछ और लिख दिया पे कुछ और और लिख दिया इससे क्या हो जाएगा कि वो पूरा कचड़ा बन जाएगा और देख के भी ऐसा लगेगा ना कि छी कितना गंदा है भले ही उसने बनाया है अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन तो इसके लिए दे देते हैं एक मार्क्स तो ऐसा लिखना है कि आपको नहीं नीट एंड क्लीन लिखना है सो नीट एंड क्लीन लिखोगे तो अच्छी तरह से पाँच मार्क्स में से कितने मार्क्स मिलेंगे चार साढ़े चार मार्क्स बहुत आराम से मिल जाएंगे क्योंकि बहुत इजी चीज़ है इसमें इसमें आप हर एक बच्चा आराम से तीन मार्क्स हर एक बच्चे को मिल जाएगा अगर उसने नीट एंड क्लीन लिखा होगा किसी ने बहुत इंटरेस्टिंग वे में लिखा होगा ड्राॅइंग्स एड ऑन किए होंगे तो उसको आराम से चार से साढ़े मार्क्स मिल सकता है ओके आगे बढ़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है जो बार बार आते हैं या फिर चीज़ें ये चीज़ें आ सकती है इस चीज से रिलेटेड ठीक है So, पहले क्या है हमारा सैनिटाइजर अभी कोरोना गया है तो सैनिटाइजर के बारे में आ सकता है ओके okay. सो so, सेनेटाइजर के बारे में आ सकता है देन धुलाई का साबुन जो कपड़े धोने का साबुन होता है ना तो ऐसे बोलते हैं ना आ, घर न, ये हाँ कपड़ा सफा हर रोग दफा इस तरह की चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हो स्टार्टिंग में आ, सा, आ, साफ करो साफ करो साफ करो कपड़े को साफ करो रोग को हाँ रोग को दफा करो इस तरह की चीजें आप ऐड कर सकते हो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लिखोगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं ओके तो धुलाई का साबुन हो गया उसके बाद जागरूकता अभियान कोई कहीं सी जगह पे कोई अभियान हो रहा है जैसे पेड़ बचाओ अभियान होता है, है कि नहीं पेड़ बचाओ जीवन बढ़ाओ ठीक है पेड़ बचाओ जीवन बढ़ाओ अः अपनी पेड़ बच पेड़ बचाओ और अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाओ ठीक है इस तरह की चीज़ें आप उसमें ऐड ऑन करोगे ना तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा ठीक है सो इस तरह की बहुत सारे अभियान सब चलते हैं योगा दिवस का अभियान चलता है स्वतंत्रता दिवस का अभियान चलता है उस अभियान में सभी को आपको इन्वाइट करना है सो so इस तरह का पैम्पलेट आ सकता है सो so इस तरह को बनाने और अलग अलग वे में आप किस तरह से लिख सकते हो वो आपको आना चाहिए आना चाहिए मतलब मैं आपको सिखा रही हूँ कि आपको क्या करना है किस तरह से चीज़ें लिखनी है ओके पॉइंट वाइज लिखो चीजों को ये चीज ध्यान में रखो ओके चलो ठीक है वैदिक रोग इलाज मतलब जो आयुर्वेदिक जो इलाज होता है ना उसका कोई आ, मेडिकल खुल रहा है सो so, इस तरह की चीजें भी आ सकती है योगा क्लास कोई न्यू योगा क्लास ओपन हो रहा है ठीक है योगा में घुसो जीवन बढ़ाओ इस तरह की चीजें आ सकती है आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स आ सकते हैं जिम का आ सकता है जिम बहुत बार आता है जिम का कोई न्यू जिम क्लास ओपन उप, हो रहा है सो आप इस वे में लिख सकते हो मैंने जो बाद में कचड़ा किया उस चीज को मत देखो ठीक है सो आ, आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसा गोजा है मैंने सो क्या करना है आपको कुछ ऑफर डाल देना है जैसे न्यू uh, मेंबर्स के लिए 50% ऑफ या फिर uh, कोई अपने साथ एक और पार्टनर लाने पर 50% ऑफ इस चीज को आप एड ऑन करोगे ना तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा ओके okay? कोई कपड़े का दुकान ओपन हो रहा है उसमें आ सकता है तो उसमें बाय वन गेट वन फ्री बाय टू गेट वन फ्री इस तरह की चीजें आप उसमें एड कर सकते हो ओके okay? आगे बढ़े चलो सो तो यहाँ पे लिया हुआ है एक टॉपिक ठीक है एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं क्या है निर्मल सैनिटाइजर जो सैनिटाइजर का एक टॉपिक है मतलब कोई तो भी सैनिटाइजर लॉन्च हो रहा आ, है सैनिटाइजर का स्टार्टअप है सैनिटाइजर खुल रहा है उसका नाम है निर्मल सैनिटाइजर उसमें हमें कौन कौन से पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको हमें ऐड करना है अब देखो कितना ज्यादा सिंपल है सारे पॉइंट्स भी दिए हुए हैं जो जो भी चीज़ है जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम भी दिया हुआ है निर्मल सैनिटाइजर उसमें क्या क्या ऐड करना है वो भी दिया हुआ है तो ये आपको क्या करना है आपको बस एक पेज बनाना है उसे क्रिएट करना है ओके okay? उसके बाद विषाणु से रक्षा मतलब जो भी अः कीटाणु होता है ना उसे विषाणु बोला जाता है उससे रक्षा होगी उसके बाद भिन्न भिन्न रंग और गंध मतलब अलग अलग कलर्स और सुगंध में अवेलेबल है उसके बाद संपर्क व पता लास्ट में डालना रहता है संपर्क व पता आ, भारत में निर्मित मतलब भारत में है या, क्या बोलते हैं उसे मेड इन इंडिया ठीक है सो ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो अभी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए सबसे पहले हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी ठीक है भी पे, पे, पे आप हैं जो एग्जाम का पेपर रहेगा एग्जाम का शीट रहेगा उसमें क्या करना है मार दिया और फिर गया फिर एक मार्क्स ही लेके खुश रहना फिर आप लोग ओके तो नीट एंड क्लीन तरीके से लाइन मारना अच्छी तरह से स्केल का इस्तेमाल करके देन आपको क्या करना है स्टार्टिंग में कुछ बढ़िया हेडिंग डाल दो कुछ बढ़िया हेडिंग डाल दो इस तरह से उसके बाद यहाँ पे एक्सला मिशन मार्क डाल दो ठीक है निर्मल सैनिटाइजर हर रोग दफा ठीक है इस तरह की चीजें आप उसमें एड ऑन कर लो कि खरीद एक निर्मल सेनेटाइजर पे नहीं दो निर्मल सेनेटाइजर पे एक निर्मल सेनेटाइजर फ्री 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 ऑफर है सभी के लिए ठीक है सो इस तरह की चीजें आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय वन गेट वन फ्री buy 2 get 1 free उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है स्थान जो भी आप जगह है आपका स्थान वो डाल देना है यहाँ पे लिख दो पूरा स्थान जो भी आपका मेन एड्रेस है वो लिख दो उसके बाद पता ठीक है आपका जो भी पता है आप जहां पे भी रहते हो उस पता सॉरी स्थान और पता एक ही होता है मैंने गलती से नंबर की जगह पे पता लिख दिया तो आपको यहां पे क्या करना है नंबर लिखना है ठीक है नंबर लिख दो ये संपर्क और पता संपर्क मतलब संपर्क नंबर कांटेक्ट नंबर ओके पता मतलब एड्रेस तो आप स्थान भी लिख सकते हो या पता भी लिख सकते हो ओके तो इस तरह की चीज़ें इसको लिखना तो बिल्कुल मत भूलना क्योंकि ये लिखने के बाद आपका एक मार्क्स फिक्स हो जाएगा देन आपका स्टार्टिंग में जो हेडिंग होगा उससे एक मार्क्स फिक्स हो जाएगा बीच में आपने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें डाली हुई है उसमें आपको एक मार्क्स मिल जाएगा उसके बाद कुछ आप बुलेट पॉइंट डाल दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल दो जैसे उसके बारे में यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है भारत में निर्मित है तो यहाँ पे लिख दो भारत में निर्मित उसके बाद क्या दिया हुआ है भिन्न रंग और गंध तो यहाँ पे लिख सकते हो भिन्न भिन्न रंग में उपलब्ध अलग अलग गंधों में उपलब्ध इस तरह की चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो ठीक है देन आप क्या कर सकते हो विषाणु से रक्षा तो स्टार्टिंग में डाल सकते हो यहाँ पे विषाणुओं से रक्षा इस तरह की चीजें आप वहां पे लिख सकते हो देन लास्ट में आपको सैनिटाइजर का एक अच्छा सा बॉटल जैसा डिजाइन बना दो ठीक है समझ जाओ हाँ मेरे को आता नहीं है वो बनाने ओके, okay? so, समझ जाओ ये सैनिटाइजर का बॉटल है तो इस तरह की चीजें आप उसमें क्रिएट करोगे उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा उतना ज्यादा जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग उतना ज्यादा मार्क्स आपके हाथ में ओके okay? चलो तो आई होप सो सभी को विज्ञापन लेखन और हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कहानी लेखन विज्ञापन लेखन और कहानी लेखन दोनों का पांच पांच मार्क्स का टॉपिक अच्छी तरह से कवर हो गया होगा और सभी लोग पांच पांच मार्क्स के इस दोनों टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं कहानी लेखन में एक और ऑप्शन है बट विज्ञापन लेखन में कोई ऑप्शन नहीं है विज्ञापन लेखन सभी को कंपल्सरी अटेम्प्ट करना ही है चाहे आप लाइन मार के आ जाओ मतलब कि एक लाइन खींच के आ जाओ चलेगा ओके सो so, लाइन खींच के आओ उसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग का डाल दो थोड़ा सा लास्ट में एड्रेस डाल दो बीच में कुछ पॉइंट्स डाल दो ऑलरेडी पॉइंट्स दिए हुए हैं भाई प्लीज इतना तो उपकार करो कि जो पॉइंट लिखा हुआ है उस पॉइंट को डाल के आ जाओ आप कम से कम ठीक है तभी भी आपको आराम से तीन मार्क्स मिल जाएगा है ना बहुत ज्यादा इजी चीज है ये इसके मार्क्स के, किसी के भी नहीं जाते हैं ओके लाइन तक मारने के एक मार्क्स मिल जाते हैं प्लीज से सब करके आना थोड़ा सा भी अटेम्प्ट करके ही जरूर से आना ओके चलो सो तो आज हमारा टेन मार्क्स का टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा खो गया है और आई होप सो सभी को समझ गया होगा और जिन जिन को समझा क्या करना है कमेंट करना है वीडियो को लाइक करना है चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना है और अपने सारे टेंथ के फ्रेंड को शेयर जरूर से करना है तब तक के लिए बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में